हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इन फिगर 10.48 POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, रे ओ आर परपेंडिकुलर टू PQ टू द लाइन PQ, है ना जी, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि OS इज अनदर रे लाई बिटवीन द रेज OP एंड OR, OP एंड OR के बीच में एक अनदर रे OS यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना जी। प्रूव्ड है एंगल ROS, यह एंगल जो है हाफ होगा एंगल QOS और माइनस में एंगल POS के, हमें प्रूव करना है। चलिए देख लेते हैं क्या गिवन दिया है और क्या प्रूव करना है। क्या कह रहा है कि POQ इज अ लाइन OR परपेंडिकुलर PQ, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR टू प्रूव एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस में एंगल POS, ठीक है। ROS ये जो एंगल होगा हाफ होगा किसका, एंगल QOS और माइनस में एंगल POS के। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके पास OR जो है परपेंडिकुलर दिया है PQ पे, ये गिवन है आपके पास। तो एंगल POR इक्वल टू हो जाएगा एंगल QOR इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर है तो 90 होंगे ना दोनों जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग POR की बात करें तो ये कौन कौन से एंगल से बना है POR, तो ये एंगल POS और प्लस में एंगल ROS इन दोनों से मिला हुआ, इनसे और इनसे मिलके बना है, और इक्वल टू में एंगल QOR ऐसे रहने देते हैं QOR। अब इसके बाद क्या करते हैं, लिखते हैं एडिंग एंगल ROS इन बोथ साइड, इसकी हमें जरूरत है ऐड करने की इसलिए मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंगल POS प्लस में एंगल ROS प्लस में एंगल ROS इक्वल टू में एंगल QOR प्लस में एंगल ROS। देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ नीचे क्या करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या होता है, यहाँ पे देखिए एंगल POS प्लस में ROS, ROS टू एंगल ROS हो जाएगा इक्वल टू में, यहाँ देखो QOR और ROS ये और ये एंगल मिलके पूरा ये एंगल हो जाएगा कि नहीं, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये पूरा ये वाला हो जाएगा QOS, ठीक है कि नहीं, एंगल QOS हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं, टू एंगल ROS इक्वल टू में एंगल QOS और माइनस में एंगल POS, चलिए इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो एंगल ROS इक्वल टू में 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस का एंगल POS, ये हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन द फिगर 10.49 OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, एंगल AOC का बाइसेक्टर OD है। OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, एंगल BOC का बाइसेक्टर OE है। OD परपेंडिकुलर OE, OD OE पे परपेंडिकुलर, सो दैट AOB आर कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन पे होंगे तभी ना कोलिनियर होंगे जी। चलिए देखते हैं, अगर यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल जो होगा स्ट्रेट एंगल जो AOB देख रहे हैं, अगर 180 हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल दिखा दिए तो काम हो जाएगा ना। चलिए गिवन देखते हैं, OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, OD परपेंडिकुलर OE टू प्रूव AO एंड B आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रूव देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि OD परपेंडिकुलर है OE पर,
ओडी ओई पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब एंगल डी ओ ई जो हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। अच्छा डी ओ ई को देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो एंगल डी ओ सी और प्लस में एंगल यहाँ पर सी ओ ई नहीं लिख सकते हैं, डी ओ सी और सी ओ ई इक्वल टू में 90, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ साइड, 2 एंगल डी ओ सी प्लस 2 एंगल सी ओ ई इक्वल टू में 2 इंटू में 90 डिग्री। अब देखिए, अब डी ओ सी का डबल ये पूरा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है ओ डी एंगल का, यानी कि इसका डबल ये पूरा हो जाएगा, इसका भी डबल ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ये ए ओ सी बन जाएगा और ये एंगल क्या बन जाएगा, एंगल बी ओ सी बन जाएगा इक्वल टू 180। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास ऊपर दिया है कि ओ डी एंड ओ ई आर द बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी रेस्पेक्टिवली, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये जब 180 हो रहा है, देख लीजिए यहाँ ए ओ सी और ये बी ओ सी 180 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर बी ओ सी आर लीनियर पेयर्स, ये लीनियर पेयर्स है, हेंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन हो गया, दैट इज ए ओ एंड बी आर कोलिनियर, स्ट्रेट लाइन हो गए तो कोलिनियर हो गए ना, ये समझ गए, यही ना मैं प्रूव करना था। तो यही क्वेश्चन थे दो ही, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।